नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बीते दिनों लोजपा के नेता आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल उरांव की का अपहरण कर लिया गया था, और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, अनिल उरांव की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने फिरौती की रकम लेने के बाद उनकी हत्या कर दी है। इसको लेकर अब लोजपा के तमाम नेता जो हैं वह सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्से में हैं। जिस तरीके से यह खबर सामने आई है उसके बाद से ही लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसी कानून व्यवस्था है, प्रशासन आखिर क्यों नहीं कुछ कर रहा। खुद चिराग पासवान ने इसको लेकर एक के बाद एक ट्वीट किए हैं, उन्होंने परिजनों से भी बातचीत की है, और अब राजू तिवारी जो कि लोजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इसको लेकर सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी, पहले आप सुनिए। आज लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अनिल उरांव जी की पूर्णिया में हत्या कर दी गई। दो दिन पहले उनका अपहरण हुआ था। मैं बता देना चाहता हूं कि उस परिवार से अपराधी 10 लाख रुपया भी लिए और उनकी हत्या भी कर दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वहां के एसपी से कई बार बात की और उस अनिल उरांव जी की मदद करने के लिए, उनके परिवार को मदद करने के लिए गुहार लगाते रहे। लेकिन इस सरकार में, नीतीश कुमार के राज में, आज अपराधी बेलगाम हैं, पैसा भी ले रहे हैं और उनकी हत्या भी कर दे रहे हैं। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आज मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि उस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया भी मिले और उस परिवार को नौकरी मिले। और मैं बहुत दुख में, आज पूरा हमारा लोक जनशक्ति परिवार है कि हम लोग ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। तो आपने सुना, राजू तिवारी हैं जो कि लोजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही गलत हुआ, सरकार की नाकामी है, क्योंकि लगातार अपराध जो है वह बेतहाशा बढ़ रही है। एक बार फिर से बिहार में जिस तरीके से अपहरण, उसके बाद फिरौती लेने के बाद हत्या कर देना, इस घटना ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि बिहार में यह घटना जो है वह एक बार काफ़ी दिनों के बाद हुई है और यह कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाली है। साथ ही साथ राजू तिवारी ने सरकार से यह मांग की है कि जो परिजन हैं उन्हें 50 लाख रुपये दी जाए, और साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो एक बड़ी मांग कर दी गई है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को लोजपा के नेता अनिल उरांव, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे आदिवासी प्रकोष्ठ के, और उन्होंने मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव भी लड़ा था, तो उनका जो है वह अपहरण कर लिया था अपराधियों ने। उसके बाद इस मामले की जानकारी दी गई थी, तो उसके बाद फिरौती की मांग की गई थी। बताया जा रहा था कि 10 लाख रुपए फिरौती के रूप में दे भी दिया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार चिराग पासवान नज़र बनाए हुए थे। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात करेंगे, तमाम दोनों जिला के एसपी से उन्होंने बात की थी, लेकिन जो खबर आई वह बेहद चौंकाने वाली है। अनिल उरांव की हत्या कर दी गई और ऐसे में अब लोजपा ने जोरदार प्रहार किया है। क्या कुछ होता है आगे, तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।